the world unconditionally. With this, I would like to invite our President of All India Ulema Mashayikh Board, founder World Sufi Forum, Janab Hazrat Sayyid Muhammad Ashraf Kichotri Saab, for his welcome speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maaniniya Narendra Modi ji, Wazir Azam Hindustan, Ulamae Karam, Mashaikh Izzam, Media Persons, और सामईन और हाजरीन, आज का दिन तारीख हिंद का एक यादगार दिन है। जब दिल्ली की सरजमीन पर अपनी नवयत की पहली रूहानी इस्लामी इंसानी तकरीब मुनक़द है, यहाँ काहिरा भी मौजूद है, यहाँ बगदाद भी मौजूद है, यहाँ अजमेर भी मौजूद है, यहाँ पाकपटन भी मौजूद है, यहाँ यूके भी है, यूएसए से भी हैं, हर जगह की नुमाइंदगी यहाँ हो रही है इस वर्ल्ड सूफी फोरम में। बांग्लादेश तो मुझसे पहले ही नुमाइंदगी हो चुकी। वर्ल्ड सूफी फोरम का इफ्तिताह आज हो रहा है, जिसमें तसव्वुफ़ और रूहानियत के तमाम बड़े मुल्की और आलमी नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले अपने खालिक और मालिक का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने इस बड़े काम की तौफीक बख्शी और जनाब फ़ातिमा ताहिरा के तवस्सुत से जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये खूबसूरत सौगात नज़र करता हूँ। आज हमारे जद्द आला महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी और दिगर मशायख की रूहें भी बहुत खुश होंगी कि उनका ये गुनहगार तसव्वुफ़, रूहानियत, अमन आलम और मोहब्बत का इतना बड़ा इवेंट मुनाकिद करके अपने नक्शे कदम को चूम रहा हूँ। इसके साथ ही वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस महफिल में शरीक होकर हमें ममनून किया। साथ ही साथ मुफ्ती आज़म मिस्र हज़रत शौकी अल्लाम और बगदाद शरीफ सरकार गौसे आज़म की बारगाह के सज्जादा नशीन हज़रत शेख हशीमुद्दीन अल जिलानी और दिगर जायश पे मौजूद उलमा व मशाइख सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल को कामयाब बनाने में आप हजरात ने हिस्सा लिया, और मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारे इंतज़ाम और इंसराम में अगर कोई कमी हो गई हो, आपके आने में अगर कोई परेशानी हुई हो, तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज़ाद हिंदुस्तान में अपनी नवयत का मुनफरिद तारीख की तकरीब वर्ल्ड सूफी फोरम नई दिल्ली ने आज अपने चार रोज़ा प्रोग्राम में दुनिया भर के अमन पसंद और तसव्वुफ़ नवाज़ उलमा, अरबाब फ़िक्र व दानिश, ब्यूरोक्रेट्स, माहिरीन कानूनदा को जमा किया है। आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका है
जब हिंदुस्तान की तकरीबन 150 खानकाहें और मदारिस, यूनिवर्सिटीज़ और सहाफत और सकाफत के 100 से ज़ायद मुअक्कर रहनुमा एक जगह मौजूद हैं। ऑल इंडिया उलमा मशायख बोर्ड अपने तमाम मंदोबीन का शुक्रिया अदा करते हुए फ़ख्र महसूस करता है कि इसने आमने इंसानियत, मोहब्बत, रूहानियत के हवाले से नहायत ही कामयाबी के साथ इस अजीम तारीखी इवेंट को मुनाकिद किया है। हजरात, यह हकीकत आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद सूफियों और दरवेशों की आमद के साथ हुई। 13वीं सदी के शुरू में ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। ख्वाजा साहब की आमद को हिंदुस्तान की तारीख में मोहब्बत, रवादारी, रूहानियत और अमन व अमान और दावत इस्लाम के हवाले से एक नए संग मील के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की वो बुनियाद रखी जिसकी खुशबू सदियों से महसूस की जा रही है। ख्वाजा साहब के बाद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी से होते हुए अमन व मोहब्बत और तसव्वुफ और रूहानियत की यह आवाज़ आगे बढ़ती रही। 800 साल बाद भी नफ़रतों के इस माहौल में अगर इन दरवेशों के चौखट पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम इंसानों का मरकज़ अकीदत बनी हुई है तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि इन सूफियों का लगाया हुआ मोहब्बत का दरख्त आज भी लोगों को साया और ठंडक पहुंचा रहा है। इसी तनाजुर में वर्ल्ड सूफी फोरम ये ऐलान करता है कि अगर आज इस दुनिया को दहशत और वहशत की लानत से बचाना है, मादियत और ख़ुदगर्ज़ी के इमराज को ख़त्म करना है तो तसव्वुफ़ के अहया और सूफिया के पैगाम अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलावा और कोई रास्ता नहीं। 19वीं सदी के साथ ही दुनिया भर में तसव्वुफ़ मुखालिफ तहरीकात शुरू हो गईं और आवाम के दिलों में कायम तसव्वुफ़ और सूफिया की मोहब्बत कम करने की कोशिश की जाने लगी। बस क्या था, इसके साथ ही दुनिया भर में तसव्वुफ़ मुखालिफ तहरीकात शुरू हो गईं और आवाम के दिलों में कायम तसव्वुफ़ और सूफिया की मोहब्बत कम करने की कोशिशें होने लगीं। क़ुरान और इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों में इस फ़िक्र को राइज किया गया कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने में ख़ारिज का खासा थी, इस दौरान में अहले तसव्वुफ़ ने अपनी खानकाहों में महदूद रहते हुए नतीजा ये निकाला कि मुसलमानों के एक ख़ास तबके के अंदर शिद्दत पसंदी, मुनाफिरत, तकफीरियत और कत्ल व गारत के जज्बात परवान चढ़ रहे हैं जिसकी आग में आज आलम इस्लाम बतौर ख़ास मशरिक़ वुस्ता जल रहा है। इसमें शक नहीं कि मुसलमानों को इस मंजिल तक पहुंचाने में खारजी अवामिल का भी हाथ रहा है, लेकिन मुसलमानों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि वह इस्लाम के फॉलोअर्स और सूफिया के मुहब्बीन होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है
कि खुद आपस में अमन व मोहब्बत के साथ रहें, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। आज वर्ल्ड सूफी फोरम दुनिया के तमाम सूफियों और खानकाहों के साथ ये ऐलान करता है कि हम दुनिया भर में क़याम अमन की तमाम तहरीकों और कोशिशों में पेश रहेंगे। हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और उन्होंने दूसरी कौमों के साथ मिलकर अमन के मुआहदे किए थे। हमें अपनी खानकाहों से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत करीमा को ज़िंदा करना है। वर्ल्ड सूफी फोरम तमाम मुस्लिम नौजवानों से यह अपील करता है कि वो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए मोहब्बत और इंसानियत को अपना रोल मॉडल बनाएं। वो सूफिया कराम पैगंबर इस्लाम के नक्शे कदम की पैरवी करें। ख्वाजा गरीब नवाज के बकौल, हमारे अंदर बारिश की तरह फयाजी और ज़मीन की तरह तवाज़ो होनी चाहिए। मुस्लिम नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। कुरान पढ़कर आज उन्हें कुरान से दूर किया जा रहा है, वो इस साजिश को समझें। कुरान किसी कीमत पर जुल्म, सरकशी, बगावत, फसाद फिल अर्द और इंतशार व बदअमनी को कबूल नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तशद्दुद करने वाले और हद से गुजर जाने वाले तबाह व बर्बाद हो गए। जिन लोगों ने इस तरह की कोशिशें की, इसका अंजाम तबाही व बर्बादी और इस्लाम की बदनामी की शक्ल में जाहिर हुआ। मुस्लिम नौजवानों को यह हकीकत समझनी चाहिए और इसके साथ ही हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि आज भी रूए ज़मीन के गालिब आबादी तसव्वुफ और सूफिया से मोहब्बत करने वाली है। मुट्ठी भर तशद्दुद पसंद और तसव्वुफ से बेजार लोग हैं जिन्होंने सारे अमन व अमान को गारत कर रखा है। आज हमें बेदार होने की ज़रूरत है ताकि उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके और सियासी, समाजी और तालीमी व रफाही हर सतह पर मुसलमानों की पुरअमन नुमाइंदगी हो सके। 2005 में अल इंडिया उलमा मशायक बोर्ड का क़याम अमल में आया। तब से आज तक ये बोर्ड मुसलसल सूफियाना मोहब्बत और रवादारी के फ़रोग, क़याम अमन की कोशिश और हिंदुस्तानी मुसलमानों की पुरअमन नुमाइंदगी में मसरूफ़ है। वर्ल्ड सूफी फोरम उलमा मशायक बोर्ड का अब तक सबसे बड़ा इवेंट है। बोर्ड इस मौके पर अपने हमवतनों की खिदमत में, अपने देशवासियों की खिदमत में मोहब्बत के फूल निछावर करता है और मुल्क के तमाम मजाहिब व मसालिक से मुतालिक हिंदुस्तानियों से, हर हिंदुस्तानियों से अपील करता है कि हमें सूफिया की कायम करदा गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग देना है, मोहब्बत और प्रेम को आम करना है। हिंदुस्तानियों के बीच अगर नफ़रत और फसाद बरपा करने वालों को अगर हमने नाकाम नहीं किया, क्योंकि ये और हमें ये करना है क्योंकि हिंदुस्तान ये देश सूफी संतों और ऋषि मुनियों की का देश है। इस ज़मीन को हम सबको मिलकर जन्नत बनाना है। आल इंडिया उलमा मशायख बोर्ड इस बड़े कास के लिए
غیر مشروط طور پر تیار ہے۔ فرقہ پرستی اور دہشت گردی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اس لیے ورلڈ صوفی فورم فرقہ پرستی اور دہشت گردی دونوں سے ہی اپنی برات کا اعلان کرتا ہے۔ ہندوستان کی سالمیت اور یہاں محبت و رواداری کے فروغ کے لیے فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی تمام شکلوں اور تمام بنیادوں کی یہ پرزور مذمت کرتا ہے۔ ہم حکومت اور ہندوستانیوں سے فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی اس ملک کو اور دنیا کو فساد اور تباہیوں کی آگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک و قوم، اسلام اور مسلمانوں کی سالمیت اسی میں ہے کہ انسانیت کا سبق عام کیا جائے، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو زندہ کیا جائے، جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، قومی اتحاد کو مستحکم کیا جائے، مسلمانوں کی صفوں میں محبت اور اتحاد کی شمع روشن ہو، انتہا پسندی، فرقہ پرستی اور جنگی تعبیرات کو روکا جائے۔ اسی میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہے اور اسی میں ملک و قوم اور اقوام عالم کا فائدہ ہے۔ میں آج ورلڈ صوفی فورم کے بینر تلے دنیا کے تمام حکمرانوں سے بالعموم اور حکومت ہند سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ دہشت گردی کی تمام شکلوں کو روکا جائے، انسانیت کی خدمت کو یقینی بنایا جائے، نفرت کی دیواریں توڑ دی جائیں، بے اعتمادی کی فضا کو ختم کر دیا جائے، مختلف قومی، مذہبی، نسلی اور علاقائی طبقات میں خوف ہراس کو دور کیا جائے، نیشنلزم اور جمہوریت کو مضبوط بنایا جائے، خصوصاً مسلمانوں کو جو عدم تحفظ اور خوف کا احساس ہے اسے ختم کیا جائے۔ ہندوستانی مسلمان تعلیم و ثقافت میں بہت زیادہ پچھڑ گئے ہیں، ان کی تعلیم و ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فروغ تصوف کے لیے تصوف کی تعلیم، صوفی لٹریچر کی اشاعت اور اسکولوں اور مدرسوں کے نصاب میں تصوف کی تعلیم کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے بغیر فروغ تصوف ممکن نہیں، جو قیام امن اور محبت کے لیے ضروری ہے۔ صوفی کا کام عبادت کے ساتھ خدمت ہے، اس لیے ورلڈ صوفی فورم ہر اس بات کی وکالت کرتا ہے جس سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمان اپنے سمویدھان پر پورا یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت میں پورا اعتماد رکھتے ہیں اور اس ملک کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں جب بھی ہمیں آواز دی جائے گی ہمیں کبھی بھی پیچھے آپ نہیں کریں گے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بنگال سے لے کر گجرات اور آسام، یہ تمام علاقے، یہ سب ہندوستان ہے۔ اگر اس کی ایک انچ زمین کو بھی
कोई अलग करने की बात करेगा तो हम उसे उस जगह पहुंचाएंगे जहां उसके रहने की जगह है। देश की एकता और अखंडता हमें बहुत अजीज है, इसलिए कि हम नफरतों के पैगाम को आम नहीं करते। हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। मैंने वक्त बहुत ले लिया, अब हम चाहेंगे शुक्रिया अदा करते हुए अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि हमारे इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और आपके दरमियान बहुत ज़्यादा देर हायल ना रहूं। इसीलिए मैं अपनी बात को पहना तो बहुत कुछ था, फिर कभी कहूँगा अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, कल 18 है, फिर बोलूँगा, 19 से फिर बोलूँगा, और 20 को तो मेरे पास बहुत वक्त है, खूब बोलूँगा। तो इन्हीं जुमलों के साथ आपसे जुदा होता हूँ सिर्फ कल तक के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वी थैंक हजरत अशरफ साहब फॉर सच अ ब्राइट एंड इंस्पायरिंग स्पीच, फॉर रियली मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग।